पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे बिजनौर के कोहरपुर इलाके में तमाम एक दर्जन से ज्यादा गांवों में पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वो भी इसलिए कि जो गंगा किनारे बसे गांव हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए मेरे साथ गांव वाले मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या इंतजाम कर रहे हैं बाढ़ से निपटने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? जी राजू। राजू, गांव में कोई पुलिस प्रशासन का अमला आया था अलर्ट करने के लिए? जी हाँ, कल आए थे। क्या कह रहे थे? कल अनाउंस करवाया था उन्होंने कि जितने जो जंगल में है आदमी वो अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि गंगा में पानी छोड़ चुका है। कोहरपुर की अगर बात करें तो कितनी यहाँ पर आबादी है? क्या हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है? कोई इंतजाम करती है पुलिस प्रशासन की तरफ से? कोई इंतजाम होता है? हर साल बाढ़ आती है जी, और जो अधिकारी लोग आते हैं, नहीं आते हो, देख जाते हो और विश्वास देकर चले जाते हैं, मगर कार्य कुछ नहीं होता। कब पिछले साल ये थोड़ी बल्दी तो घटी थी, कुछ कट्टे लगे थे, इनसे कुछ नहीं होता। ये तो पानी की दहाड़ लगती है, निकल कर आते हैं। और क्या आपको क्या दिक्कत आती है? दिक्कतें आती है जो फसल करते हैं वो फसल मर जाती है, और आने जाने में दिक्कत पड़ती है। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हम सुरक्षित रह सकते। क्या चाहते हैं, जैसे बाढ़ की शुरुआत हुई, बरसात की पहली बारिश थी, इस बारिश में पहले दिन ही जो है लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ा है, तो क्या आप चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से क्या होना चाहिए? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो एक तो ये घर बचे रहें, जिन सब झोंपड़ा ना उछड़े हमारा, झोंपड़े में आराम से चैन से रह जाएं, और थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाए तो अपना कुछ ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर लेंगे। ये है ग्रामीण कोहरपुर के, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारे इस बाढ़ की चपेट में आने से मकान बन जाए और साथ ही जो जमीन इनकी फसलें हैं वो तबाह होने से बच जाए तो प्रशासन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा होगा। कैमरा पर्सन अब्बास के साथ सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।